हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉमी वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, गर्भवती महिला ग्रहण में खाना खा सकती है, पानी पी सकती है या नहीं, और अगर वो पानी पी सकती है, खाना खा सकती है, तो उसे किस तरह से उसे खाना है, पानी पीना है, ताकि ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो उसके और उसके बच्चे पे कम से कम पड़े। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बगल का बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 जून को पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे जो सूर्य की जीवन देने वाली किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती। जब ये किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती तो पृथ्वी पे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे कीटाणु, बैक्टीरिया, इनका ग्रोथ बहुत रैपिड रेट से होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो भोजन है हमारा पका हुआ, जो जल है, इसमें ये सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए भोजन और जल दूषित हो जाता है। ग्रहण के समय बोला जाता है कि मनुष्य की जो पाचन शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है। इन्हीं दो कारणों से हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ग्रहण के दौरान भोजन और जल आदि का सेवन ना करें, इससे संक्रमण होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर गर्भवती महिला जिसको हर आधा घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है या कुछ ना कुछ पीना होता है, वो अगर ग्रहण के दौरान कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो इसका और उसकी सेहत पे और उसके बच्चे की सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसको कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, जो कि उसके बच्चे के लिए उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ग्रहण के दौरान भी गर्भवती महिला को कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि ग्रहण के दौरान भोजन जल दूषित हो जाता है, तो उस दूषित जल भोजन को खाने से क्या उस पे या उसके बच्चे पे कोई प्रभाव पड़ेगा, या हम कुछ ऐसा करें जिससे दूषित जल और भोजन दूषित ना रहे? तो हाँ, इसका भी एक उपाय है जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है। तो खाने और पानी में अगर तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो वह दूषित नहीं रहता। तुलसी में जो जीवाणु से लड़ने की और उन्हें मारने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। तो तुलसी का पत्ता अगर ग्रहण से पहले हम पानी और खाने में रख देंगे तो उसमें जो जीवाणु हैं जो सूर्य ग्रहण के दौरान पनपते हैं वो नहीं पनपेंगे, और जो थोड़े बहुत जीवाणु पनपेंगे वो मर जाएंगे। तो इसलिए इस सूर्य ग्रहण आप ये उपाय अपनाएं, और साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आप नहा के भोजन करेंगे तो और भी उत्तम होगा। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के आसपास भी जो जीवाणु कपड़ों में आ गए हैं, पनप गए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आपके आसपास भी कोई गर्भवती महिला है तो उसको ये वीडियो शेयर कर जरूर करिएगा, ताकि उसको भी ये जानकारी मिल सके। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।